भारते नवजीवनम् साधयति संस्कार भारती भारते नवजीवनम् प्रणवमूलं प्रगतिशीलं प्रखर राष्ट्रविवर्धकम् शिवं सत्यं सुंदरं अभिनवं संस्करणोद्यमं साधयति संस्कार भारती भारते नवजीवनम् मधुरमञ्जुलरागभरितं हृदय तंत्री मंत्रितं वादयति संगीतकं वसुधैक भावन पोषकं साधयति संस्कार भारती भारते नवजीवनम् मैं प्रोफेसर कुलदीप सिंह खरे माखनलाल चतुर्वेदी शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय खंडवा में सह प्राध्यापक हिंदी के पद पर पदस्थ हूँ। आज की काव्य गोष्ठी का आयोजन पद्मश्री विष्णु श्रीधर वाकनकर जी की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में आयोजित की गई है और इसका आयोजन संस्कार भारती खंडवा इकाई का आयोजन है। इस आयोजन में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। सबसे पहले शुभारंभ मैं माँ शारदा के श्री चरणों में नमन और पद्मश्री विष्णु श्रीधर वाकनकर जी की स्मृति को प्रणाम करते हुए करना चाहूँगा। इन शब्दों से अभिनंदन है आज उन्हीं का जो शब्दों के उपवन है, अभिनंदन है आज उन्हीं का जो भावों के दर्पण है। धन्य हुए हम करके वंदन, नीर नयन भर आया है, कितना पावन और मन भावन आज ये अवसर आया है। फिर स्वागत अभिनंदन आप सभी का, नमस्कार। आज की काव्य गोष्ठी का शुभारंभ चलिए हम करते हैं गुरु वंदना से, और ये गुरु वंदना हमें सुनने को मिलेगी प्रसिद्ध ललित निबंधकार डॉक्टर श्रीराम परिहार के स्वर में। आप लोगों ने अभी तक डॉक्टर श्रीराम परिहार के ललित निबंध और नवगीतों की चर्चा सुनी होगी, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि डॉक्टर परिहार जो है वो लोक मर्मज्ञ भी है और लोक में गहरी रुचि रखने वाले हैं। उन्होंने लोक पर लिखा भी है, संत सिंगा जी के पर लिखा है, और वो बहुत सुंदर गाते भी हैं। उसकी सुंदरता का नमूना आज हम आपके सामने उनकी गुरु वंदना से प्रस्तुत कर रहे हैं, तो सुनिए और आनंद लीजिए गुरु वंदना का। तो प्रस्तुत है डॉक्टर श्रीराम परिहार की गुरु वंदना। बस गए इस भ्रांति को दूर करने में वाकनकर जी का बड़ा योगदान है, इसमें उन्होंने सफलता पाई। यह साबित हो गया कि हम सब इसी देश के मूल निवासी हैं, न कि आक्रमणकारियों की संतानें। 50 वर्ष जंगलों गुफाओं में खोज करते हुए बिताना आसान नहीं होता, और इस बीच आदिवासी क्षेत्रों में जाकर उनके शैक्षिक और सामाजिक उत्थान के लिए उन्होंने लगातार प्रयास और परिश्रम किया। कई लेख लिखे, देश विदेश में जाकर व्याख्यान दिए। उन्हीं की स्मृति में 4 मई 2020 तक शताब्दी वर्ष के रूप में संस्कार भारती ने समर्पित किया है। अच्छा, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर किसी और विषय पर आपसे बाद में बात करूंगा, ठीक है? ठीक है, है। नमस्कार। नमस्कार, आदरणीय वाकनकर जी की स्मृतियों को प्रणाम करता हूँ। मेरा सौभाग्य कि उनके साथ मेरी भी कुछ यादें जुड़ी हुई है।
बहुत साल पहले एक कार्यक्रम में मैं उनके साथ था और उस कार्यक्रम में उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही, जो बात मुझे हमेशा के लिए मेरी स्मृतियों में जो है वो टंकित हो गई। वाकणकर जी उस दिन बोले कि यदि मेरा वश चले तो मैं गीता का एक श्लोक कम करवा दूं। मैंने उनसे उस दिन पूछा था कि सर ऐसा कौन सा श्लोक है जो आप गीता से कम करवा देना चाहते हैं, तो वो हंसकर कहने लगे कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सजाम्यहम, यह श्लोक मैं कम करवा दूं। तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ था और मैंने उनसे विनम्रता से पूछा कि सर आप गीता से ये श्लोक क्यों कम करवा देना चाहते हैं, तो वह हंसकर कहने लगे कि इस श्लोक से बड़ी गड़बड़ी पैदा हुई है और वो गड़बड़ी ये कि हम भारतवासियों को भगवान ने जो वचन दिया था कि जब जब भी तुम पे कोई संकट आएगा, जब भी सज्जनों पे कोई संकट आएगा तो उनके संकट का निवारण करने के लिए वे हमेशा आते रहेंगे, तब से भारतवासियों के मन में ये बैठ गया कि जब भी कोई संकट आएगा तो ईश्वर ही आकर के उसको दूर करेगा, हम खुद कुछ नहीं करेंगे। और ये जो भाव हमारे मन में उस श्लोक के कारण जम गया तो हम ईश्वर की प्रतीक्षा करते हैं, हम खुद कुछ नहीं करते। ऐसी बात यदि कोई कह सकता है तो कर्मवीर वाकणकर जी के अलावा और कौन कह सकता था। वाकणकर जी से जुड़ी हुई बहुत सी स्मृतियाँ हैं, प्रसंगवश ये बात मैंने आपसे साझा की। आज उनकी जन्मशती के अवसर पर आयोजित इस ऑनलाइन कवि सम्मेलन में आदरणीय वाकणकर जी को प्रणाम करते हुए, उनकी स्मृति को प्रणाम करते हुए मैं अपनी एक कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसका शीर्षक है जीवन की बगिया। मैंने कविता में मैंने जीवन में सुख और दुख के दो जो पल होते हैं मनुष्य के जीवन के अनिवार्य पक्ष होते हैं, उसे मैंने प्रतीक की भाषा में, प्रतीकों के रूप में जो है इस कविता में मैंने इसे प्रस्तुत किया है। कविता का शीर्षक जीवन की बगिया। मैंने जीवन की बगिया में दो फूल खिले देखे, मैंने जीवन की बगिया में दो फूल खिले देखे, एक सफ़ेद है फूल हंसी व है होठों की, एक सफ़ेद है फूल हंसी व है होठों की, एक फूल जिस पर निशान कुछ मौसम के चोटों की, दोनों फूल प्रेम पाश में कसकर खूब सिले देखे, दोनों फूल प्रेम पाश में कसकर खूब सिले देखे, मैंने जीवन की बगिया में दो फूल खिले देखे, मैंने जीवन की बगिया में दो फूल खिले देखे, एक फूल जिसके खिलने से खिले चांदनी, एक फूल जिसके खिलने से खिले चांदनी, एक फूल जिसके हिलने से हिले चांदनी, उन दोनों में रंग महल भी कारा और किले देखे, मैंने जीवन की बगिया में दो फूल खिले देखे, मैंने जीवन की बगिया में दो फूल खिले देखे। और ये दो फूल कैसे हैं, एक फूल जो मरुथल में भी रंग भरा है, एक फूल जो मरुथल में भी रंग भरा है, एक फूल जो शाहबाग में डरा डरा है, एक फूल जो मरुथल में भी रंग भरा है, एक फूल जो शाहबाग में डरा डरा है, जुदा नहीं हो पाए धागे, जुदा नहीं हो पाए धागे, ऐसे आज सिले देखे, मैंने जीवन की बगिया में दो फूल खिले देखे, मैंने जीवन की बगिया में दो फूल खिले देखे, एक फूल जिस पर बिजली ने कौंध दिया है, एक फूल जिस पर बिजली ने कौंध दिया है, एक फूल जिसको माली ने रौंद दिया है, एक फूल जिस पर बिजली ने कौंध दिया है, एक फूल जिसको माली ने रौंद दिया है, किसी अधर पर हंसी, किसी अधर पर हंसी कहीं पर कहीं किसी अधर पर हंसी कहीं पर हमने खूब गिले देखे, किसी अधर पर हंसी कहीं पर हमने खूब गिले देखे, मैंने जीवन की बगिया में दो फूल खिले देखे, मैंने जीवन की बगिया में दो फूल खिले देखे, एक फूल जिसकी सूरत पर मछले सारे भौरे, एक फूल जिसकी सूरत पर मछले सारे भौरे, एक फूल जिसको कोई भी कभी न चाहे हेरे, एक फूल जिसकी सूरत पर मछले सारे भौरे, एक फूल जिसको कोई भी कभी न चाहे हेरे,
भीतर रस की धार तो भी बाहर पतझड़ नहीं मिले देखे, भीतर रस की धार तो बाहर पतझड़ नहीं मिले देखे, मैंने जीवन की बगिया में दो फूल खिले देखे, मैंने जीवन की बगिया में दो फूल खिले देखे। अंतिम छंद इस रचना का प्रस्तुत है कि एक डाल पर दोनों लगते अलग अलग तकदीरें, एक डाल पर दोनों लगते अलग अलग तकदीरें, कोई शव के साथ जले कोई वेणी के है हीरे। एक डाल पर दोनों लगते अलग अलग तकदीरें, कोई शव के साथ जले कोई वेणी के है हीरे। सभी सिलसिले पहले दिन से, सभी सिलसिले पहले दिन से चलते सदा मिले देखे, मैंने जीवन की बगिया में दो फूल खिले देखे, मैंने जीवन की बगिया में दो फूल खिले देखे, मैंने जीवन की बगिया में दो फूल खिले देखे। धन्यवाद। मैं कपिल डोंगरे, लेखक कवि व्यंग्यकार खंडवा से एक नई रचना के साथ। रचना का शीर्षक है प्रकृति के हरे बिछोने। प्रकृति के हरे बिछोने गुदगुदाते रहे खिलौने, सुगंध माटी की सलोनी मक्खन सी बनी विलोनी, वृक्ष पुरखे हमारे गीत जीवन के सारे, जड़े इनकी है गहरी पृथ्वी के बने प्रहरी, पथिक आते थके हारे धूप में छांव के सहारे, चिड़ियों का चहचहाना प्यारा वृक्ष पर पक्षियों का कुनबा सारा, जाने मोर कहां से आ गए मौसम के साथ आम भी बोरा गए, आम राजा सा ऐठे तोता मैना पास साथ साथ बैठे, चोंच से आधा खा लिया मुसाफिर के मन को भा लिया, गुल्लर पीपल पक गए लाल मोती से झर गए, गिलहरी उतरती चढ़ती जरा सी आहट से डरती, बेर आंवले पीले पड़े मुंह में जैसे मिश्री घुले, कटपोड़े की टक टक लगती द्वार पर दस्तक, गंध माधन सा लगता महुआ नीम जब झरता, झूमती इठलाती लताएं धरती से लगी गलबाहें, भोर घूमती भोरे घूमते डाली डाली मीठे सुर कोयल काली काली, मधुमक्खियों के डंक पहने पहने मिठास के गहने, केचुए इल्लियां रंग बिरंगी चातक संग बैठा बिरंजी, झरनों की बहती प्रणाली झिंगुरों के राग वैशाली, छोटी बड़ी तितलियां सारी लगे जैसे फूलों की क्यारी, जुगनुओं की जगमगाहट पत्तों की सरसराहट, रात रानी चमेली की खुशबू खो जाए सब सबकी सुधबू, डाल पर बंदरों का कूदना नीचे रहे हमारा झूलना, वृक्ष हमारी अस्थि मज्जा प्रकृति हमारी साध सज्जा, चलाओ न इन पर आरा पक्षी और हम होंगे बेसहारा, काम तुम्हारे कितने घिगोने आंखें भी आई भिगोने, रहने दो कुछ भग छोने प्रकृति के हरे बिछोने। पद्मश्री विष्णु श्रीधर वाकणकर, जी हाँ, एक ऐसा नाम जो आज भी अपने कार्यों के कारण अनवरत स्मरणीय है, वंदनीय है, अभिनंदनीय है। मैं डॉक्टर भारती पाराशर अपने पुष्प सुमनों के साथ आज समर्पित कर रही हूँ अपने मनोभावों को डॉक्टर श्रीधर विष्णु श्रीधर वाकणकर जी को। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत के इतिहास में देश के गौरव को बढ़ाने में यदि कहीं न कहीं सम्मान दिया है तो ऐसे महान इतिहासकारों ने, ऐसे महान अन्वेषणकर्ताओं ने जो कहीं न कहीं सतत चिंतन करते रहे, जो सतत अन्वेषण करते रहे, जिसकी परिणति ही उन्हें चिर स्मृति के रूप में स्थायित्व प्रदान करती है। अपनी इस रचना में मैंने प्रयास किया है
अपने शब्दांजलि से मैं डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर जी को अपने पुष्प सुमन अर्पित कर सकूं। विष्णु सूर्य, विष्णु सूर्य, विष्णु चंद्र, पद्मश्री विष्णु श्रीधर वाकणकर, जिनके बुद्धिबल ने इतिहास रचे, खोजे गई ना निरर्थक। हे राष्ट्र बंधु हे राष्ट्र भक्त हे पुरातत्व अन्वेषक, कोटि कोटि जन करते तेरा शत शत अभिनंदक। वसुंधरा के स्वर सुनकर करते चिंतन बन सच्चे चिंतक, दे दी विरासत भारत माँ को स्वदेश की, जो कहते भारतीय है विदेशक, दे दी पहचान मातृभूमि को, विश्व पटल पर रख कर दिया सुरक्षित भविष्य भारतीय जनों का, शैल भित्ति चित्र देकर 175,000 वर्ष पुरातन भारतीय संस्कृति के, हम हैं सच्चे उपासक, हम ही तो हैं सच्चे साधक। भीमबेटका खोजना हो या विलुप्त सरस्वती हे सद्मार्ग प्रवाहक। नूतन लेखन नव चिंतन नित नूतन अन्वेषण कर, बढ़ा दिया सम्मान माँ भारती का, संस्कार भारती रच कर। कर्तव्य यही जन जन का अब भूले ना विष्णु वाकणकर, जिनके कार्यों का यशोगान माँ भारती संस्कारित करती घर घर। संस्कार ही चंदन संस्कार ही वंदन, संस्कार से ही है जब तक। पहचान बना लो आओ देशभक्त राष्ट्र आराधक। लो शपथ उठा इन शस्त्र, जितना जीवन जिए जब तक, हर सांस सांस से सेवारत हो संस्कार भारती के, सच्चे संरक्षक बने संरक्षक। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, मैं संतोष तिवारी, प्रिंसिपल पद्मनगर हाई स्कूल, अखिल भारतीय साहित्य परिषद का अध्यक्ष हूँ। आप सभी को परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया की बहुत सारी शुभकामनाएं। एक मुक्तक और एक गीति का प्रस्तुत करता हूँ, आइए सुने। मिले जो श्याम तो मीरा दीवानी बन ही जाती है, मिले जो श्याम तो मीरा दीवानी बन ही जाती है। पलों की भेंट चाहत की निशानी बन ही जाती है। उठी नजरें मिली नजरें झुकी नजरें, बस इतनी बात पे कोई कहानी बन ही जाती है। बस इतनी बात पे कोई कहानी बन ही जाती है। एक गजल देखें। खुशी को साथ रखते हैं
चलो गम भूल जाते हैं, चुभन देती है जो यादें उसे हम भूल जाते हैं, खुशी को साथ रखते हैं, चलो गम भूल जाते हैं, चुभन देती है जो यादें उसे हम भूल जाते हैं, गले मिलने से अक्सर रोकती हैं हमको जो बातें, गले मिलने से अक्सर रोकती हैं हमको जो बातें, वो बातें इस घड़ी तो कम से कम हम भूल जाते हैं, हमें बस याद रहता है कि गलती कब थी किसकी थी, हमें बस याद रहता है कि गलती कब थी किसकी थी, मगर जो पल सही गुजरे वो अक्सर भूल जाते हैं, मगर जो पल सही गुजरे वो अक्सर भूल जाते हैं, वो सारे कत्लो गारत जो किए तुमने भी हमने भी, वो सारे कत्लो गारत जो किए तुमने भी हमने भी, उन्हें अब याद क्या रखें इसी दम भूल जाते हैं, उन्हें अब याद क्या रखें इसी दम भूल जाते हैं। एक और बंद देखें, उठा लेते हैं हाथों में हजारों रंग के झंडे, उठा लेते हैं हाथों में हजारों रंग के झंडे, मगर हम तीन रंगों वाला परचम भूल जाते हैं, मगर हम तीन रंगों वाला परचम भूल जाते हैं, उगाते हैं चलो खेतों में अब हम प्यार की फसलें, उगाते हैं चलो, उगाते हैं चलो खेतों में अब हम प्यार की फसलें, जलाता है दिलों को ऐसा मौसम भूल जाते हैं, जलाता है दिलों को ऐसा मौसम भूल जाते हैं। आखिरी शेर देखें, बस इतनी बात है घाव नहीं भरते कभी अपने, बस इतनी बात है घाव नहीं भरते कभी अपने, जख्म देते रहे हर बार मरहम भूल जाते हैं, जख्म देते रहे हर बार मरहम भूल जाते हैं, खुशी को साथ रखते हैं चलो गम भूल जाते हैं, चुभन देती है जो यादें उसे हम भूल जाते हैं। एक बार फिर से आप सभी को अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं, नमस्कार। साहित्य प्रेमियों को मेरा सादर नमन। संस्कार भारती द्वारा पद्मश्री डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर जी का जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में अपनी निमाड़ी लोकधुन पर आधारित डूब क्षेत्र प्रभावी कविता आपके समक्ष प्रस्तुत है। जब इंदिरा सागर बांध के कारण प्रभावित लोगों को विस्थापित होना पड़ा था, उस समय पत्नी अपने पति से कहती है, जन्म भूमि तो छूटी गई, जन्म भूमि तो छूटी गई, चलो बुलंदी बिछड़ी को संगी साथी, है 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 बिछड़ी को संगी साथी, न गाय घोड़ा हाथी कहीं तो बोलो बुलंदी,
जन्म भूमि तो रूठी गई, चलो फलंगी। पानी गांव के निकट आने पर पानी जसो जसो बढ़, पशु पक्षी बनकर रड़, पानी आई गो गांव की धड़, कसा सू सबका पड़, या सरकार की नेता है, ये सरकार की नेता न डूब्या अपना खेत न खड़ो बलम जी, जन्म भूमि तो छुटी गई, चलो बलम जी। विस्थापन के समय पाया गाग बड़ा भले कंकर काटा गड़, पानी भी को बुझड़, बिजली भी कड़ कड़, नहीं घर रहो नी खेत है, नहीं घर रहो नी छत, कसे आई गई आफत, एक झेलो बलम जी, जन्म भूमि तो रूठी गई, जन्म भूमि तो छूटी गई, चलो बलम जी। आगे है सब हुआ तीन तेरा, नहीं खेत देखाई नहीं मेरा, कसी हुई गई अंधेरा, मख गावा व खूब हैरा, कयो तो मत लाओ जो है, है, है। कयो तो मत लाओ जो अपना घर को मुआओ जो, न ठेलो बलम जी, जन्म भूमि तो छूटी गई, चलो बलम जी, जन्म भूमि तो रूठी गई, चलो बलम जी। भाई भाई हुआ दूर, मिलना का लेन झूरा, काई उनको तो कसूर, साथी भी हुआ दूर, सब बिछड़ी गाधी रूसी है, है, है। सब बिछड़ी गाधी रूसी, न बिछड़ी को गुरूसी, उनको चेलो बलम जी, जन्म भूमि तो छूटी गई, चलो बलम जी। आगे कहाँ गया अमली अंबा, न वो बिजली न का खंबा, ओ माता जगदम्बा उरसता लंबा लंबा, कहाँ गया वो पनघर है, है, है। कहाँ गया वो पनघर, न लोग न को जमघर, न मेलो बलम जी, जन्म भूमि तो छूटी गई, चलो बलम जी, जन्म भूमि तो रूठी गई, चलो बलम जी, जन्म भूमि तो डूबी गई, चलो बलम जी। धन्यवाद। हर साल इन तपते दिनों में कुछ दोहे लिखने की कोशिश करता हूँ, इस साल कुछ नए दोहे आप तक पहुंचा रहा हूं, तो लीजिए पेश है ये तपते दोहे। बड़े सवेरे चढ़ गया सूरज का दिमाग, बिना खबर के रोहिणी आई खेलने आग। बड़े सवेरे चढ़ गया सूरज का दिमाग, बिना खबर के रोहिणी आई खेलने आग। पंछी डुबके घोंसले सन्नाटों का राज, पंछी डुबके घोंसले सन्नाटों का राज, अजगर जैसा सुस्त है दुनिया भर का काज। दुबली नदियां हो गई पोखर हुए तालाब, दुबली नदियां हो गई पोखर हुए तालाब, चेहरे अनचिन्हे रहे उतर गया है आब।
दुबली नदियां हो गई, पोखर हुए तालाब, चेहरे अनचिन्हे रहे, उतर गया है आप। दोपहर के हुक्म से सब दरवाजे बंद, दोपहर के हुक्म से सब दरवाजे बंद, या तो पगली ही दिखे या फिर कोई मलंग, या तो कोई मलंग और विरहणी की आहसी हवा हुई है तप्त, विरहणी की आहसी हवा हुई है तप्त, शीतलता हारी हुई हुई जमानत जब्त, कोयल भूली कूकना देख बरसती आग, कोयल भूली कूकना देख बरसती आग, तानसेन जी छेड़ दो कोई मल्हारी राग, बड़े सवेरे चढ़ गया सूरज का दिमाग, बिना खबर के रोहिणी आई खेलने आग। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, पद्मश्री डॉक्टर विष्णुधर वाकणकर जी के जन्म शताब्दी अवसर पर मैं उन्हें शत शत नमन करता हूँ और उनके इसी जन्म शताब्दी अवसर पर आयोजित काव्य गोष्ठी में मैं एक गजल प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, कोरोना महामारी अभी चल रही है, उसी को दृष्टिगत रखते हुए मैंने ये गजल कही है, तो ध्यान से सुनिए। गजल का मतलब यूं होता है, जहां की भीड़ से दूरी बना के बैठे हैं, जहां की भीड़ से दूरी बना के बैठे हैं, हम अपने आप के नजदीक आके बैठे हैं, हम अपने आप के नजदीक आके बैठे हैं। अजीब जंग है जिसमें वो सब बहादुर हैं, अजीब जंग है जिसमें वो सब बहादुर हैं, घरों में अपने जो खुद को छुपा के बैठे हैं, घरों में खुद को जो अपने छुपा के बैठे हैं, जो सबकी जान बचाने में जान दे बैठा। खास तौर पर तवज्जो चाहूंगा इस शेर पर, जो सबकी जान बचाने में जान दे बैठा, जो सबकी जान बचाने में जान दे बैठा, सब उसकी लाश से दामन बचा के बैठे हैं, सब उसकी लाश से दामन बचा के बैठे हैं, जिन्हें गुरूर था दुनिया में अपनी ताकत पर, जिन्हें गुरूर था दुनिया में अपनी ताकत पर, हुआ वो हाल के घुटने टिका के बैठे हैं, हुआ वो हाल के घुटने टिका के बैठे हैं, जहां की भीड़ से दूरी बना के बैठे हैं, हम अपने आप के नजदीक आके बैठे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सभी को अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं, साथ ही हम सब लोग यह वर्ष
श्रीधर विष्णु वाकणकर, जो कि विक्रम यूनिवर्सिटी में पुरातत्व विभाग के प्रमुख भी रहे हैं, संस्कार भारती के संस्थापक रहे हैं और साथ ही संपूर्ण भारत में पुरातत्व की चेतना को जागृत करने वाले पुरोधा भी रहे हैं। आज हम उन्हें श्रद्धांजलि स्वरूप एक कविता प्रस्तुत कर रहे हैं। कविता का शीर्षक है कि लुहार ने लिया लोहा, तपाया और ठोक कर बनाई चीज। लुहार ने लिया लोहा, तपाया और ठोक कर बनाई खीर। किसान ने धूरी पर ठोक दी और पहिए चल पड़े। किसान ने धूरी पर ठोक दी और पहिए चल पड़े। बीच रास्ते में रुक कर राहगीर ने टूटी चप्पल के बंद को कील ठोक कर ठीक किया, वरना ये चप्पल चलने कहां दे रही। कुम्हार के चक्के को आधार दे गढ़ती रही, कुम्हार के चक्के को आधार दे गढ़ती रही। बर्तनों का आकार बड़ियों मोचियों ने ही नहीं, सभी कामगारों ने कीलों को कीलों से किया जोड़ने का काम। बड़ियों मोचियों ने ही नहीं, सभी कामगारों ने किया कीलों से जोड़ने का काम। चुपती रही कीले अंधविश्वास की जब तक, चुपती भी रही किले अंधविश्वास की जब तक। नासूर की तरह टीसती रही, जैसे कि टीसती है चप्पलों या जूतियों में गड़ी कीलों किले। एक कील ने निकाला कील को और हथियार बन गई एक कील। एक कील ने निकाला कील को और हथियार बन गई एक कील। कई सभ्यताओं के बीच चली आई, चप्पलों से चक्कों तक को संभाले हुए। सोचता हूँ कीले न होती तो सभ्यताओं का स्थानांतरण भी कहाँ संभव था। धन्यवाद। नमस्कार, मैं संतोष चौरे चौहान आज इस नितांत आत्मीय आयोजन में, जहां हम सब मिलकर पद्मश्री डॉक्टर विष्णुधर वाकणकर साहब की जन्म शताब्दी उपलक्ष्य में आयोजित इस ऑनलाइन कवि गोष्ठी में अपनी कविता पर विचार व्यक्त कर रहे हैं। मैं संतोष चौरे मूलतः देशभक्ति रचनाएं लिखता हूं, अखिल भारतीय स्तर पर राष्ट्र की आराधना करने का प्रयास करता रहता हूँ। उसी तारतम्य में कुछ पंक्तियाँ निवेदित कर रहा हूँ सादर बिना किसी भूमिका के, कि मुट्ठियों को कसकर बांधो सपने सब साकार करो। मुट्ठियों को कसकर बांधो सपने सब साकार करो। मुट्ठियों को कसकर बांधो सपने सब साकार करो। रुको नहीं पथ बढ़ जाओ मंजिल को आकार करो। और तुम्हें हो अलौकिक सूरज भारत माँ की संतान। तुम्हें जागो और श्रेष्ठ मनुष्य तुम भारत की पहचान। तुम्ही हो अलौकिक सूरज भारत की संतान। तुम्ही जागो हो रे श्रेष्ठ मनुष्य भारत की पहचान। तुम्ही और तुम जागे तो भारत माँ का गौरव हासिल दिखता है। विश्व गुरु पथ बढ़ने का हर पल हासिल दिखता है। सुनो नवयुवक सृजन करता। सुनो नवयुवक और सृजन करता, यह मुस्कान तुम्ही से है और तुम कहीं बहक मत जाना। मेरा हिंदुस्तान तुम्ही से है। भारत माता की जय। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। किरण गई ये साँझ न
बीते मन के सारे कलश है रीते किरण गई ये साँझ न बीते कोमल पाँव कठोर है राही दूर हुई छाया की बाहें दूर हुई छाया की बाहें दरक रही है घर की भीते मन के सारे कलश हरीते किरण गई ये सांझ न बीते। अगली पंक्तियां देखें। कदम कदम पर शूल बिछे हैं पर अंबर में रंग रचे हैं खाई पथ के दाएं बाएं मन जीता तो तुम भी जीते किरण गई ये सांझ न बीते। और इस गीत की अंतिम पंक्तियां देखें। उर आराधन को तत्पर है उर आराधन को तत्पर है समय भागता वह सत्वर है कैसे रचूं विधान कला के रूठे सारे सरल सुबीते किरण गई ये सांझ न बीते मन के सारे कलश है रीते। और ये दूसरा गीत देखें। रिक्त है पन्ने गगन के सूखते झरने नयन के समय ने बदली दिशाएं टूटते हैं तार मन के टूटते। नमस्कार मैं अपनी एक रचना भूकंप के बाद लेकर उपस्थित हूँ उसे आज के तारतम्य आज के माहौल से भी जोड़ा जा सकता है कि मानव जो है वो प्रकृति और उसकी विकृतियों के सामने कितना लाचार और बेबस है। भूकंप के बाद वो जो मौत के सन्नाटे में गुम है बंद कमरे में खुली आंखों से देखता है भविष्य के डरावने सपने लरजता है हर आहट पर हर सिहरन हर कंपन से डरा है जो अपनी ही प्रकृति माँ से जाग उठा है उसमें श्मशान विराग। वो जो मानने लगा था खुद को सर्वशक्तिमान एटम बमों टैंकों और मिसाइलों के भरोसे डोल उठा है धरती के एक उच्छ्वास से जिसमें छाया था हल्का तांडव राग। बिना बुनियाद बांधे थे हवाई महल क्लोन बनाकर दी थी जिसने ईश्वरीय सत्ता को चुनौती उड़ता है आज बिना डोर की पतंग की नाई अस्तित्व को ढूंढता जागते हुए को क्यों कहता है जाग जाग जाग। देवासुर संग्राम में ब्रह्मा से मानवता का मां मांगकर भी दानव बन जीवन का सलीका भूल गया जियो और खुद के लिए जियो और मरे तो मरने दो ना मरे तो मार दो का मूल मंत्र अपनाकर नित खेल रहा है मौत का पाप। जीने का सलीका तो सीखना ही होगा सीखना होगा उनसे जो जीते हैं अनगिनत अनजान खतरों में प्रकृति के उन बेजुबान बच्चों से जो कहने को तो हैं जानवर और ढाया है मानव ने जानवर बन जिन पर बेहिसाब जुल्म कहर और साबित हुआ है आस्तीन का नाक। लेकिन
लेकिन जब शांत होगा यह हाहाकार कराहे और क्रंदन, जब खत्म होगा तांडव विनाश का, जब घोर सन्नाटे के बीच करवट बदलेगा मौसम, मौत की ठंडक बदलेगी जीवन की ऊष्मा में, तब सुदूर बियाबान जंगल में खतरों के बीच सन्नाटों को भेदती प्रकृति के उन बेजुबान बच्चों में से किसी एक की एक टेर उठेगी, गाएगी जीवन का राग, देगी संदेश जीवन के बसंत का, देगी संदेश जीवन के बसंत का, उसकी कुहक भुलाएगी दर्द सारे और पीड़ा, रह जाएगी तो बस एक टीस, दिलाएगी याद जीवन की निरंतरता की और उस कथित सर्वशक्तिमान बेबस आदमी की अक्षम्य भूलों की, जो बंद है अपने ही बनाए प्रलय की त्रासदी के कमरे में और खुली आंखों से देख रहा है भविष्य के डरावने सपने, जीवन को कहता हुआ भाग भाग भाग। नमस्कार। नमस्कार। पद्मश्री डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर जी का जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है, इस अवसर पर मैं अपनी एक रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ। अपना जब कोई छूट जाता है, अपना जब कोई रूठ जाता है, तब मन द्रवित हो रोता है, उस भारत माँ की सोचो उस पर क्या बीत रही, बेटा जिसका रोज शहीद होता है, चलती गोली फटता बम है, चलती गोली फटता बम है, आंखें भी सबकी नम है, किंतु सैनिक तनिक भी पीछे नहीं हटता है, यूं जीना भी क्या जीना है, देश के लिए मरना है, यही वाक्य सदैव सैनिक रटता है, पीठ दिखाना पसंद नहीं, सीने पर खा गोली गहरी नींद में सोता है, उस भारत माँ की सोचो उस पर क्या बीत रही, बेटा जिसका रोज शहीद होता है, घटनाओं ने घटना ने सबको गम में डुबो दिया, हिम्मत ना हारी सैनिकों ने, ना पाक इरादे वालों को सबक सिखाने का प्रण लिया, मिल गई है गोली छूट अब सिहर बंद हारेंगे, कर देंगे चिथड़े चिथड़े उनके, इतना उनको फाड़ेंगे, इतना उनको फाड़ेंगे, कांप उठेगी रूह उनकी जिंदा ही गारेंगे, किंतु माहौल गमगीन होता है तब जब ताबूत में सैनिक लौटा है, उस भारत माँ की सोचो उस पर क्या बीत रही, बेटा जिसका रोज शहीद होता है, वह बहन धन्य है जिसने भाई को जुदा किया, वह बहन धन्य है जिसने भाई को जुदा किया, पत्नी जिसने लगा तिलक अपने पति को विदा किया, नमन करे उस माँ को, नमन करे उस माँ को जिसने अपने लाल को भारत माँ को सौंप दिया, बूढ़े माता पिता ने दे आशीष ये कहा, लड़ते लड़ते पीठ ना दिखाना, छलनी हो जाए सीना तेरा, पर दुश्मन को मार गिराना, भारत माता की जय बोल वीर गति को पाना, धन्य धन्य हो तुम वीर जवानों, तुम्हारे लिए करोड़ों लोगों का मन चिंतित होता है, उस भारत माँ की सोचो उस पर क्या बीत रही, बेटा जिसका रोज शहीद होता है, रोज शहीद होता है, भारत माता की जय। आप सभी को नमस्कार करता हूँ। आदरणीय वाकणकर जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज की गोष्ठी में एक छोटी सी रचना रख रहा हूँ। हमारे आसपास के पक्षी गर्मियों से बेहाल है, उन्हें
दाना पानी नहीं मिल रहा है। हमारी प्यारी गोरैया तो विलुप्ति के कगार पर है। आइए इस रचना के माध्यम से हम गोरैया का आह्वान करते हैं कि रखा हुआ है पानी दाना, गोरैया आंगन में आना। रखा हुआ है पानी दाना, गोरैया आंगन में आना। तुम आंगन की बिटिया हो, शुभ संदेश की चिटिया हो। तुम आंगन की बिटिया हो, शुभ संदेश की चिटिया हो। तुम बिन मेरा आंगन सूना, रखा हुआ है पानी दाना, गोरैया आंगन में आना। रखा हुआ है पानी दाना, गोरैया आंगन में आना। और कलरो तुम्हारा लगे मन भावन, सुनते रहे ये करता है मन। कलरो तुम्हारा लगे मन भावन, सुनते रहे ये करता है मन। ची ची करके मन बहलाती, गा रही हो जैसे गाना। रखा हुआ है पानी दाना, गोरैया आंगन में आना। रखा हुआ है पानी दाना, गोरैया आंगन में आना। और तुमसे हमें है प्यार गोरैया, तुमसे हमें है प्यार गोरैया। रहना इस आंगन द्वार गोरैया, और दिन भर रहना आंगन में। शाम ढले फिर घर उड़ जाना, रखा हुआ है पानी दाना, गोरैया आंगन में आना। रखा हुआ है पानी दाना, गोरैया आंगन में आना। और एक छोटी सी रचना और प्रस्तुत कर रहा हूँ। हमारे आसपास की जो जमीन हम पक्की किए जा रहे हैं, सीमेंटीकरण हो रहा है, उससे भी हमारे पशु पक्षी बहुत दुखी है। और पशु पक्षियों को जीवित रहने के लिए धूल की, कच्ची मिट्टी की, कच्ची भूमि की आवश्यकता होती है, हम सभी जानते हैं। एक छोटी सी रचना मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ कि न करना ऐसी भूल, रहने दो थोड़ी धूल। न करना ऐसी भूल, रहने दो थोड़ी धूल। उड़कर आएगी गोरैया, माटी से नहाएगी गोरैया। उड़कर आएगी गोरैया, माटी से नहाएगी गोरैया। और घास के तिनके चुन चुन कर फिर चहचहाएगी गोरैया। न करना ऐसी भूल, रहने दो थोड़ी धूल। और नहीं होगी कच्ची भूमि तो, नहीं होगी कच्ची भूमि तो कहाँ खिलेंगे फूल। न करना ऐसी भूल, रहने दो थोड़ी धूल। और ये कैसी है तरक्की, ये कैसी है तरक्की। धरती कर दी सारी पक्की, आने वाली पीढ़ी पूछेगी होकर हक्की बक्की। क्या बोकर जाओगे राह में उनके शूल। न करना ऐसी भूल, रहने दो थोड़ी धूल। उड़कर आएगी गोरैया, माटी से नहाएगी गोरैया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। आज हम सभी सदस्य संस्कार भारती के आदरणीय श्री वाकणकर जी को आदरांजलि देने के लिए उपस्थित हुए हैं। मंच के सभी सदस्यों का बहुत बहुत अभिवादन, अभिनंदन। मैं श्री वाकणकर जी के लिए आदरांजलि स्वरूप एक छोटी सी रचना सुनाना चाहूँगी। माता पिता गुरु चरणों में जैसे वंदन करते हैं, वैसे ही हम सब महापुरुष वाकणकर जी का अभिनंदन करते हैं। त्याग कभी निष्फल नहीं जाता, राष्ट्रहित जो जीता है जग में अमर हो जाता है। आपके जैसा विराट व्यक्तित्व तो विरला ही होता है, आप जैसे सुमन से राष्ट्र पल्लवित होता है। जैसे सूर्य धरा को आलोकित करता है, वैसे आपने राष्ट्र को आलोकित किया है। युगों युगों तक भारतीय संस्कृति अमर रहेगी, आपकी यशोगाथा तो दसों दिशा कहेगी। हम सभी शपथ लेते हैं, संस्कृति एवं कला को मरने नहीं देंगे। आपके द्वारा जलाई गई मशाल को कभी बुझने नहीं देंगे। भारत विश्व गुरु था और रहेगा, यह विश्व को बतला देंगे। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। सर्वप्रथम
माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ, पद्मश्री विष्णु श्रीधर वाकणकर जी को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। एक में अनेक अनेक व्यक्तित्व कृतित्व को समेटे हुए महान मानव को जन्म शताब्दी वर्ष पर श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, समर्पित करता हूँ और पुनः प्रणाम करता हूँ। संस्कार भारतीय साहित्य विधा के समस्त विद्वजन प्रबुद्ध जन को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। मैं डॉक्टर अशोक ठाकुर, सहायक प्राध्यापक हिंदी शासकीय महाविद्यालय राजपुर में 27 मार्च 2001 से कार्यरत हूँ। मेरी आयु 48 वर्ष है और मेरा वर्तमान निवास नौकार नगर खंडवा में है। मेरी कविता लेखन में रुचि है और मैं अक्सर कविताएं लिखते रहता हूँ। अभी लॉकडाउन के दौरान भी मैंने बहुत सी कविताएं लिखी है, उसमें से दो कविताएं आज मैं प्रस्तुत करना चाहूँगा, जिसमें पहली कविता है यात्राएं, जो इस महामारी की विभीषिका के संदर्भ में लिखी है कि मानवीय और सामाजिक परिवर्तन कैसे हुए हैं, उसी विचार से लिखा और उनको प्रकट करने का कोशिश की है। निश्चित उसमें त्रुटियां होगी, गलतियां होगी, मैं समस्त प्रबुद्ध जन का क्षमा याचक हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ। प्रस्तुत है यात्राएं। यात्राएं रुक गई तीनों मार्ग सुनसान, यात्राएं रुक गई तीनों मार्ग सुनसान, देख के भागे भाई बंधु मृग बचाए सिंह से प्राण, देख के भागे भाई बंधु मृग बचाए सिंह से प्राण। उद्योग बंद पड़े कारखानों के भोपू नहीं बचते हैं, उद्योग बंद पड़े कारखानों के भोपू नहीं बचते हैं, सॉइंग कॉल में ऑफिस भी कर्मचारी अधिकारी नहीं उगलते हैं, सॉइंग कॉल में ऑफिस भी कर्मचारी अधिकारी नहीं उगलते हैं। सब यहाँ बेचैन पड़े कोई नींद भर नहीं सोते हैं, सब यहाँ बेचैन पड़े हैं कोई नींद भर नहीं सोते हैं, अपने भी तो बदल रहे हैं क्या अपने तो अपने होते हैं, अपने भी तो बदल रहे क्या अपने तो अपने होते हैं। अरबपति खरबपति सभी है अपने देश में, अरबपति खरबपति सभी है अपने देश में, रोटी खाते थे भारत की हाथ सूखते थे विदेश में, रोटी खाते थे भारत की हाथ सूखते थे विदेश में। शॉपिंग मॉल फाइव स्टार होटलों के अब खुलते नहीं दरवाजे, शॉपिंग मॉल फाइव स्टार होटलों के अब खुलते नहीं दरवाजे, पिज्जा बर्गर स्टार्टर लाना आती नहीं आवाज़ें, पिज्जा बर्गर स्टार्टर लाना आती नहीं आवाज़ें। सबका जीवन एक सा क्या हायर लोअर सोसाइटी, सबका जीवन एक सा क्या हायर लोअर सोसाइटी, एक सच सामने आया ऊँचे लोगों की ऊँची पसंद दिखावटी, एक सच सामने आया ऊँचे लोगों की ऊँची पसंद दिखावटी। मनुज नहीं बलवान है समय बड़ा बलवान, मनुज नहीं बलवान है समय बड़ा बलवान, वायरस लूटे जिंदगी नहीं धनुष नहीं बाण, वायरस लूटे जिंदगी नहीं धनुष नहीं बाण। दूसरी कविता है प्यार का बसंत। नयन तरसते हृदय अधीर होता है, नयन तरसते हृदय अधीर होता है, निष्ठुर प्रियतम के स्मरण से मन मयूर रोता है, निष्ठुर प्रियतम के स्मरण से मन मयूर रोता है। कैसे विस्मृत कर दूँ मधुर मिलन की रातें, कैसे विस्मृत कर दूँ मधुर मिलन की रातें, कभी भूल सकता नहीं वीणा गूंज सी तेरी बातें, कभी भूल सकता नहीं वीणा गूंज से तेरी बातें। मुखमंडल की आभा खिला जैसा कमल, मुखमंडल की आभा खिला जैसा कमल, श्वेत सुंदर देह रजत से धवल, श्वेत सुंदर देह रजत से धवल। ओष्ठ तेरे किसलय नवपल्लवित, ओष्ठ तेरे किसलय नवपल्लवित, तेरे रूप सौंदर्य को सुंदर सब उपमाएं समर्पित, तेरे रूप सौंदर्य को सुंदर सब उपमाएं समर्पित। तुम में परिवर्तन हो गया ऋतुओं जैसा, तुम में परिवर्तन हो गया ऋतुओं जैसा, शीत शीतलता छोड़कर तपती ग्रीष्म जैसा, शीत शीतलता छोड़कर तपती ग्रीष्म जैसा। अब भी आशाएं तुमसे प्रेम की अनंत, अब भी आशाएं तुमसे प्रेम की अनंत, लौटा सको तो लौटा दो मेरे प्यार का बसंत, लौटा सको तो लौटा दो मेरे प्यार का बसंत। धन्यवाद, नमस्कार। प्रस्तुत करने का एक
प्रयास है। शीर्षक है रे बंधु। रे बंधु अपनी धरा के वास्ते सोचो, रे बंधु आज भूमि करवटें लेने लगी, आखड़ा अब संकटों का ढेर है, सामना इनका करो आंखें न मीचो, रे बंधु अपनी धरा के वास्ते सोचो, रे बंधु पल प्रति पल मानवी जीवन के दुश्मन, वायरस बन युद्ध जैविक कर रहे हैं, पल प्रति पल मानवी जीवन के दुश्मन, वायरस बन युद्ध जैविक कर रहे हैं, हर समय इनको मिटाने की सोचो, हर समय इनको मिटाने की सोचो, रे बंधु बोझ ढोकर थक न जाए ये धरा, बोझ ढोकर थक न जाए ये धरा, देश में भी जन की संख्या बढ़ रही, देश में भी जन की संख्या बढ़ रही, हो गई अब तो अति भूको न नोचो, रे बंधु अपनी धरा के वास्ते सोचो, रे बंधु दौर थोड़ा है कठिन टल जाएगा, दौर थोड़ा है कठिन टल जाएगा, है कुहासा पल दो पल छट जाएगा, है कुहासा पल दो पल छट जाएगा, कर्मरत हो बीज सत्कर्मों के बीजो। आप सभी को नमस्कार, मैं डॉक्टर रश्मि लिखित, मेरी उम्र 36 वर्ष है, मेरी रुचि बागवानी में है, कविताएं और कहानी लेखन भी मेरी रुचि में सम्मिलित है। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर जी की स्मृति में आयोजित संगोष्ठी में हमें एकत्र होने का अवसर मिला है, चाहे वह ऑनलाइन ही क्यों ना हो। डॉक्टर वाकणकर भारतीय पुरातत्ववेत्ता रहे हैं। आपने 1956 में मध्य प्रदेश के इटारसी और भोपाल के मध्य स्थित भीमबेटका की गुफाओं में भित्ति चित्र की खोज की। आपका शोध पत्र भीमबेटका के भित्ति चित्रों पर ही था। एक चित्रकार के रूप में आपने कई ऐतिहासिक इमारतों एवं वस्तुओं के चित्र संग्रहित किए। 1975 में आपको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपने सरस्वती नदी के भूगर्भीय जलमार्ग की खोज भी की। आपके द्वारा स्थापित शोध संस्था उज्जैन में आज भी स्थित है। आपके नाम पर एक राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया जाता है। आज के संदर्भ में आयोजित काव्य गोष्ठी में मैं एक काव्य पाठ करना चाहती हूँ, जिसका शीर्षक है वह अजन्मा। कोख में आया ही था वह कि ईश ने समझाया था उसे, आ तो गया तू जीव इस जहाँ में, सीख ले झूठ बोलना अभिनय करना, भ्रष्टाचार सूदखोरी और आतंक फैला है जग में, बाहर आकर दिखावा और फरेब दिखेंगे तुझे, ईश ने समझाया था उसे। बिकने लगी है कोख यहाँ माँ की ममता बिकी हुई, रिश्तों की क्या जाने सांसें नफरत में टिकी हुई, सीख ले आँख बंद कर अंधा होना, यहाँ चिरागों के साये में अंधेरा मिलेगा तुझे, बाहर आकर चुप सा सन्नाटा मिलेगा तुझे, ईश ने समझाया था उसे। वह जीव बन बाहर आया,
चारों ओर उसने वही सब पाया। अपनी ही जड़ें खोदते, रोते चिल्लाते और भी जीव दिखे उसे जो ईश ने समझाया था उसे। अब वह वयस्क बन दुनिया के बंधनों में कस गया था और रम गया था इन्हीं सब गोरख धंधों में। झूठ और फरेब उसके शस्त्र हो गए, भ्रष्टाचार उसकी रगों में बहते रक्त हो गए, जो ईश ने समझाया था उसे। अब भी वह विस्मित था जग में भरमाया, तभी जीवात्मा ने उसको जगाया। दूर होने लगा वह सभी रिश्ते नातों से और जान गया वही सब जो ईश ने समझाया। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक जाखरे प्रणाम सिटी खंडवा से। मैं देश के ऊपर एक मेरी कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। शीर्षक है मेरे देश की माटी। खेतों में चलते हैं जब हल, खेतों में चलते हैं जब हल, सोंधी सोंधी खुशबू आती है, मन हो जाता है बाग बाग, अमन के फूल खिलाती है, मन हो जाता है बाग बाग, अमन के फूल खिलाती है, चौड़ा हो जाता है सीना, नई बहारें बिखराती है, चौड़ा हो जाता है सीना, नई बहारें बिखराती है, मेरे देश की मिट्टी से खुशबू आती है, मेरे देश की मिट्टी से खुशबू आती है, भोर होते ही पूरब से चलती है पुरवाई, भोर होते ही पूरब से चलती है पुरवाई, करवट बदलती भारत माता लेती हुई अगराई, कलरव करते हैं पक्षी सूरज देता है बधाई, कलरव करते हैं पक्षी सूरज देता है बधाई, चंचल किरणें धरा को पावन कर जाती है, चंचल किरणें धरा को पावन कर जाती है, मेरे देश की मिट्टी से खुशबू आती है, मेरे देश की मिट्टी से खुशबू आती है, फलों के भंडार लिए कितने बाग कितने कानन, फसलों से लभरे सहे उड़ती हुई खाद्यान्न दलहन, खनिज संपदा की खाने जिसमें हीरे जवाहरात कुंदन, खनिज संपदा की खाने जिसमें हीरे जवाहरात कुंदन, नाग भटक जाए रास्ता ऐसे महक रहे चंदन, महिमा है कणकण में सबके मन को लुभाती है, मेरे देश की माटी से खुशबू आती है, कलकल बहती नदियां निर्मल मीठा जल का पानी, विशाल मैदान खड़े, शिखरों पर आराम करती शाम सुहानी, रोम रोम पुलकित होता बूढ़े को भी चढ़े जवानी, हर बालक राधा कृष्ण है, हर बाला है राधा रानी, पूत कपूत बड़े बूढ़े, सबको प्रेम से सहलाती है, मेरे देश की माटी से खुशबू आती है, बर्फीली रजत चादर से जहाँ हिमालय शोभित होता है, गोद में खेलती गंगा यमुना जिससे संस्कृति का उदय होता है, लहराता हुआ आंचल जैसे पूर्वांचल कहलाता है, सत सत नमन उस भूमि को समुद्र जिसके पग पघारता है, अनेकता में एकता का अनमोल मोती पिरोती है, मेरे देश की माटी से
खुशबू आती है, निर्देश की माटी से खुशबू आती है, सरहद पर अटटे वीर जवान मातृभूमि की कसम खाता है, सरहद पर अटटे वीर जवान मातृभूमि की कसम खाता है, तिलक लगाकर इस माटी का दुश्मनों का होश उड़ाता है, तिलक लगाकर इस माटी का दुश्मनों का होश उड़ाता है, रण छोड़कर भागता कायर जब सिंहासा धारता है, रण छोड़कर भागता कायर जब सिंहासा धारता है, नील गगन तले अपना तिरंगा लहराता है, यह देख ममता अपने आंचल में, यह देख ममता अपने आंचल में खुशियों के मोती झलकाती है, यह देख ममता अपने आंचल में खुशियों के मोती झलकाती है, मेरे देश की माटी से सौंधी सौंधी खुशबू आती है, मेरे देश की माटी से सौंधी सौंधी खुशबू आती है, जय हिंद जय भारत। मिलो कभी चाय पर कुछ किस्से सुनाता हूँ, तुम सुनते जाओ मैं इत्मीनान से सुनाता हूँ, गांव की गलियों के खेत खलियानों के नदी किनारों के बचपन की उन हसीन यादों के। मिलो कभी चाय पर कुछ किस्से सुनाता हूँ, तुम सुनते जाओ मैं इत्मीनान से सुनाता हूँ, खान पान के संस्कृति के गीत संगीत के। मिलो कभी चाय पर कुछ किस्से सुनाता हूँ, तुम सुनते जाओ मैं इत्मीनान से सुनाता हूँ, हार के जीत के तरक्की के नाकामी के सफलता के असफलता के। मिलो कभी चाय पर कुछ किस्से सुनाता हूँ, तुम सुनते जाओ मैं इत्मीनान से सुनाता हूँ, एक लंबे अरसे बाद मिले हो तुम मेरे दोस्त। मिलो कभी चाय पर कुछ किस्से सुनाता हूँ, तुम सुनते जाओ मैं इत्मीनान से सुनाता हूँ। नमस्कार, मैं दीपमाला पांडे, खंडवा मध्य प्रदेश से। आदरणीय डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर जी, भारत के महान कलाविद, पुरातत्व वक्ता, शोधकर्ता, इतिहासकार, चित्रकार, संस्कार भारती के संस्थापक महामंत्री थे। मैं इन महान विश्वविख्यात कला साधक को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और मेरी एक छोटी सी रचना प्रस्तुत करती हूँ। आज की युवा पीढ़ी, तुम भूल ना जाना अपनी प्राचीन सभ्यता को, इसलिए हम तुमको जगाते हैं, भारत के महान पुरुष से तुम्हारा परिचय कराते हैं, कितने संघर्षों का सामना किया, भारत के मूल निवासी होने का गौरव हमको दिया, अपने जीवन में पुरातत्व विद्या में थे वह कुशल, कंदराओं से शैल चित्रों को खोजा जो थे बहुत ही विरल, हृदय उनका माँ सरस्वती के प्रति सदैव ही पूजनीय रहा, सांस्कृतिक धरोहरों को सजेजने के में जीवन अपना उन्होंने अर्पित करा, कला जगत में इनका सर्वोच्च स्थान है, श्री वाकणकर जी को शत शत मेरा प्रणाम है, धन्यवाद। मैं ब्रह्मानंद पाराशर, खंडवा निवासी, और पढ़ने लिखने में मेरी रुचि है और शिक्षक हूँ। आज श्री विष्णु डॉक्टर विष्णु श्रीधर जी वाकणकर ने जो भारतवासियों को साक्षों के सही सिद्ध किया है, इस महान कलाविद, प्रवक्ता, शोधकर्ता, इतिहासकार और महान चित्रकार की जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष में उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए मैं एक अपनी कविता का वाचन करता हूँ, सुने। नदियों के उद्गम बतलाते वाकणकर, पेड़ों को अपनी जड़ें दिखाते वाकणकर, प्राचीन संपदा भूले थे हम अपनी खोज कर हमें दिखाते वाकणकर, बिहड़ वन हिंसक प्राणी कंठक थे हर पग पर, वहां भीम बेटका के शैलाश्रय हमें दिखाते वाकणकर, आदि मानव द्वारा निर्मित खनिज रंग से शैल चित्र लाखों वर्ष
लाखों वर्ष से पहले के शिल्प हमें बताते वाकणकर। हमें बताया हम विदेश से आए थे, सिद्ध किया हम भारत माँ के जाए थे। सरस्वती सरिता बहती थी भारत में, अन्वेषण कर पथ उसका बतलाते वाकणकर। भारत की प्राचीन समृद्ध संस्कृति के दर्शन, नदियां सभ्यता और गुफाएं पुरातन। हम जो भूल गए थे हमें याद दिलाते वाकणकर। वंचित गिरिवासी वनवासी जन जन कर उत्थान, भारत के प्राचीन वैभव का किया है उन्होंने अनुसंधान। किए कार्य महान स्वयं सेवक बनकर, करे प्रणाम संस्कार भारतीय पूज्य हमारे वाकणकर। नमस्कार मित्रों, मैं दीपा तिवारी खंडवा मध्य प्रदेश से। मैं सबसे पहले आप सबकी आभारी हूँ कि आपने मुझे इस समारोह में शामिल होने का मौका दिया, और मैं पहली बार आपके सामने अपनी एक रचना बोलने वाली हूँ। और मैं संस्कार भारती साहित्य विधा को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और अपनी रचना पढ़ने का मौका दिया। मैं आज श्री विष्णु श्रीधर वालकर जन्म शताब्दी समारोह के उपलक्ष्य में आपके सामने उपस्थित हुई हूँ, और मैं आपके सामने अपनी एक रचना पढ़ रही हूँ जो एक फौजी भाई के जीवन पर लिखी है, जो मैंने लिखा था 7/8/2017 में। तो आप सुनिए और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रचना कैसी लगी है। फौजी हूँ मैं, काम है मेरा देश की रक्षा करना। तू तो बहना पगली है, अब कभी न दुश्मन से डरना। याद कर वो दिन सुहाना सावन की फुलकारी का, याद कर वो दिन सुहाना सावन की फुलकारी का। बांधी थी रेशम की डोरी रक्षा के हकदारी का, बांधी थी रेशम की डोरी रक्षा की हकदारी का। वही हक मैं अदा करूँगा भारत माँ की सेवा से, वही हक मैं अदा करूँगा भारत माँ की सेवा से। फौजी हूँ मैं, काम है मेरा देश की रक्षा करना। कभी लहराती कभी इतराती भारत की हरियाली है, कभी लहराती कभी इतराती भारत की हरियाली है। हरा रंग ओढ़े है देखो खेतों की हरियाली है, हरा रंग ओढ़े है देखो खेतों की हरियाली है। रंग श्वेत शांति का है जो लिए आकाश खड़ा, रंग श्वेत शांति का है जो लिए आकाश खड़ा। केसरिया रंग लिए खड़ी है केसर इतराती बागों में, केसरिया रंग लिए खड़ी है केसर इतराती बागों में। बीच में देखो अशोक चक्रिय, बीच में देखो अशोक चक्रिय लगता कितना प्यारा है, बीच में देखो अशोक चक्रिय लगता कितना प्यारा है। भारत माता तो सज गई अब लगाओ एक ही नारा है, भारत माता तो सज गई अब लगाओ एक ही नारा है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम वंदे मातरम। मित्रों, आज मैं अपनी रचना यहीं पर समाप्त करती हूँ, और मैं फिर से विष्णु श्रीधर वानकर जन्म शताब्दी समारोह के उपलक्ष्य में जो मुझे यहाँ पे उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और आशा करती हूँ कि मुझे फिर से आपके सामने अपनी नई रचना प्रस्तुत करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इसी के साथ आप लोगों को फिर से धन्यवाद। मैं दीपा तिवारी खंडवा मध्य प्रदेश से। नमस्कार साथियों, आज के काव्य गोष्ठी पद्मश्री विष्णु श्रीधर वाकणकर जी की जन्म शताब्दी वर्ष पर आयोजित है। आज की संगोष्ठी में विद्वान साहित्यकारों ने, कवियों ने, रचनाकारों ने अपनी अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। किसी ने गजल, किसी ने कविता, किसी ने गीत, किसी ने नवगीत का यहाँ प्रस्तुतिकरण किया है, वाचन किया है। मैं लोक में रुचि रखता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक लोकगीत आपके सम्मुख प्रस्तुत किया जाए। ये लोकगीत बुंदेली भाषा में है, और ये लोकगीत जो है वो बुंदेलखंड का प्रसिद्ध लोकगीत है। इसमें जो नवविवाहिता है वो पहली बार अपने मायके जा रही है, और जो वर है, वधु और वर की अभी आंखें चार भी नहीं हुई है, और वो अपने मायके जा रही है। वो कब अब लग्न वापस आएगी ससुराल, तो जो
जिसकी स्थिति वर की है उसका वर्णन इस लोकगीत में किया गया। तो आप आनंद लीजिए इस लोकगीत का। माइके की ढुलिया लगाई बल महिल की ले ले रोए, माइके की ढुलिया लगाई बल महिल की ले ले रोए, खेतन में रोए खलियानन में रोए, खेतन में रोए खलियानन में रोए, मेड़ों पे मेड़ों पे सिर धरी रोए बल महिल की ले ले रोए, माइके की ढुलिया लगाई बल महिल की ले ले रोए, तालों पे रोए तलैयों पे रोए, तालों पे रोए तलऊ पे रोए, कुआं पे कुआं पे सिर धरी रोए बल महिल की ले ले रोए, माइके की ढुलिया लगाई बल महिल की ले ले रोए, घरों में रोए आंगनवा में रोए, घरों में रोए आंगनवा में रोए, ढेली पे सिर धरी रोए बल महिल की ले ले रोए, माइके की ढुलिया लगाई बल महिल की ले ले रोए, माइके की ढुलिया लगाई बल महिल की ले ले रोए। धन्यवाद। मैं श्रीमती उज्ज्वला नाइक, अध्यक्ष संस्कार भारती खंडवा इकाई, आप सभी विद्वजनों का एवं साहित्य मर्मज्ञों का बहुत बहुत धन्यवाद। संस्कार भारती विगत कई वर्षों से देश भर में कला के माध्यम से भारतीय संस्कृति के बीज बोने का पुनीत कार्य कर रही है। कला के माध्यम से कला एवं कलाकारों के संवर्धन एवं संरक्षण के इस पुण्य कार्य में हमारा साथ देकर आपने एक महान दायित्व का महत्वपूर्ण कार्य संपन्न किया है। संस्कार भारती वर्ष 2019-20 को पुरातत्व वेत्ता पद्मश्री विष्णु वाकणकर जी के जन्म शताब्दी के रूप में मना रही है। विष्णु वाकणकर जी एक अद्भुत विभूति थे। उन्होंने अत्यधिक परिश्रम करके उत्खनन के माध्यम से हमारे श्रेष्ठतम संस्कृति की पहचान और हमारे गौरवशाली इतिहास को का परिचय संपूर्ण जगत के सामने प्रस्तुत किया। वे एक पुरातत्व विद्वान भी थे और उन्होंने मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका के शैल चित्रों का अन्वेषण भी किया। सन 1981 में आपके परम मित्र आदरणीय योगेंद्र बाबा जी के द्वारा कला के संरक्षण के लिए स्थापित संस्कार भारती संस्था में आप संगठन मंत्री के रूप में कार्य करके आपने अपना जीवन भारत की सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने में अर्पित किया। इस वर्ष देश भर के कला साधक अपनी अपनी कला के माध्यम से पद्मश्री वाकणकर जी को अपनी श्रद्धांजलि आदरांजलि देकर उनके द्वारा किए गए पुण्य कार्यों का संस्मरण कर रहे हैं। संस्कार भारती खंडवा इकाई के कला साधकों ने भी अपनी कला के माध्यम से अपने अपने श्रद्धा सुमन उन्हें अर्पित किए हैं। आज का ये हमारा साहित्य संगोष्ठी का कार्यक्रम भी उन्हीं के चरण कमलों में अर्पित है, समर्पित है। इसमें उपस्थित सभी साहित्यकारों ने अपनी श्रेष्ठतम रचना का वाचन करके इस संगोष्ठी को और भी उच्चता प्रदान की है।
इस काव्य गोष्ठी में देश विदेश के जानने माने साहित्यकारों के साथ साथ कुछ नवोदित साहित्यकारों ने भी सहभागिता की है। उन्हें निश्चित ही अपने वरिष्ठों से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। हमारा सौभाग्य है अखिल भारतीय साहित्य परिषद के साहित्य राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रसिद्ध ललित निबंधकार डॉक्टर श्रीराम परिहार जी ने भी जिन्हें गुरु वंदिना से इस साहित्य गोष्ठी का शुभारंभ किया, मैं उनकी हृदय से आभारी हूँ। साथ ही उन सभी वरिष्ठ साहित्यकारों का भाई गोविंद गुंजन जी, श्री रघुवीर शर्मा जी, श्री गोविंद शर्मा जी, श्री श्याम सुंदर तिवारी जी, भाई संतोष तिवारी जी, श्री सुधीर देशपांडे जी, बहन जयश्री तिवारी, श्रीमती राजश्री शर्मा, श्रीमती भारती पाराशर जी एवं उपस्थित सभी कवियों का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, आभार करती हूँ। आप सभी ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर सहभागिता की, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और अंत में इकाई के खंडवा इकाई के साहित्य विधा प्रमुख एवं आज की गोष्ठी संगोष्ठी के संयोजक सूत्रधार भाई कुलदीप फरे जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने छोटे से अनुरोध पर आप सभी से संपर्क करके इस मंच को एकत्रित कर इस मंच पर सबको एकत्रित कर इस काव्य संगोष्ठी का आयोजन किया। इसके लिए मैं उनका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आगे भी आप सभी से इसी प्रकार उत्साहपूर्वक संस्था के सभी कार्यक्रमों में अपनी सहभागिता, अपनी उपस्थिति एवं अपने सहयोग की अपेक्षा के साथ, अभिलाषा के साथ आपका पुनः धन्यवाद करती हूँ, आभार करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।